अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं स्टार गोट फार्म पे एंड फाइनली द मैन इज हियर। आज हम लोग आसिफ भाई से बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया आपके इंटरव्यू के लिए। अब बहुत क्वेश्चन है लोगों के, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछेंगे और आप भी अपना जो आपका एक पूरा जर्नी था वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सो आसिफ भाई, सबसे पहले आप कितने साल से ये बिजनेस में हैं? एटलीस्ट मैं शौक और ये दोनों मिला के 15 साल मेरे को लगभग हो गया है लाइन में जी। 15 साल से मैं, हमारी पुरानी एसटीडी थी जी, जो मेरा नाम पड़ा एसटीडी आसिफ भाई जी। तो एसटीडी पीसीओ का हमारा काम था, वहाँ से शौक करते थे जी। शौक करते करते ये कारोबार में आ गए, एक बकरा दो बकरा बेचते बेचते जी। आज अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा छोटा मोटा फार्म है जी, और उससे हम लोग डीलिंग कर रहे हैं यहाँ से बकरों की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ भाई, पहले इससे पहले दूसरी जगह फार्म था ना आपका? नहीं, हमारा पहले फार्म नहीं था। एक्चुअली हम लोग एक छोटी सी शॉप से काम करते थे जी, वहाँ पे हमारा मोबाइल का बिजनेस था जी। तो मोबाइल के बिजनेस के साथ साथ मैं बकरों की भी डीलिंग करता था। अच्छा। ने ट्रेडिंग कर रहे थे, लाते थे और बेचते थे। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी जगह हम लोग ने लिया आगरीपाड़ा पे जी, वो 2 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद यहाँ अभी हम लोग को 2 साल हो गए ये जगह पे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और जैसे कि आपने कहा कि आपका नाम आसिफ एसटीडी पड़ गया वहाँ से, तो आप इसको बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं मैं देखा हूं। नहीं, क्या होता है, कोई चीज़ जैसे कनेक्ट हो गई, वो चीज़ मेरे अंदर है ना, बस गई है। उसके अलावा मेरे को कोई जानता भी नहीं है आसिफ एसटीडी की वजह से। मैं मेरी हर जगह पर मैं वो लगाता भी हूँ जी। मेरा फेसबुक अकाउंट जो, उसमें भी आसिफ एसटीडी शेख है, जबकि मैं आसिफ शेख मेरा सरनेम है जी। उसके बावजूद मैं आसिफ एसटीडी शेख लगाता हूँ जी। मेरा जो फेसबुक का और यूट्यूब का दोनों अकाउंट है, उसके अंदर भी मैं आसिफ एसटीडी ही लगाया हूँ जी। क्योंकि आसिफ एसटीडी के अलावा लोग मुझे पहचानते ही नहीं है, मेरी एक पहचान है एसटीडी जी। और वो ऐसा नहीं है कि आज कारोबार अच्छा हो गया है, बड़ा कारोबार हो गया जी, और मैं वो एसटीडी को निकाल दूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो साथ में ही रहेगा इंशाल्लाह जी। और ये आपका हम्बल नेचर भी बताता है, लाइक यू डोंट वांट टू लीव द पास्ट, आप उसको लेके चले। स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बाप ने मेरे को दे दिया या मैं बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हम लोग। और नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं आपका फार्म भी, सो आप लाइक लोगों के अंदर तो ये है यू नो, आप कौन कौन सी ब्रीड में काम करते हैं, वो एग्जॉटिक है या फैंसी है? जैसे कि बैंटम नाम आया, अगर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया नाम एक ही आएगा आसिफ एसटीडी। एक्चुअली पहले बैंटम का जो आसाम गुवाहाटी से जो लाइन थी वो मेरी बहुत अच्छी थी, मेरा बंदा वहाँ पे था, आज भी बहुत अच्छी है जी। कुर्बानी के टाइम पे शायद मेरे जैसा बैंटम और क्वालिटी जी और क्वांटिटी दोनों में मैं देवनार में बहुत अच्छा काम करता हूँ, और वो एक पहचान बन गई है, जैसे कि बोला जाएगा कि आसिफ एसटीडी बोले तो बैंटम जी, एग्जॉटिक आइटम या फैंसी आइटम या यूनिक आइटम एंटिक, ये सब चीज़ें मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन आज 2 साल से हम लोग ने क्या किए हैं, हम लोग जब ये जगह पे आए ना, तो हम लोग ने अपने धंधे को थोड़ा बढ़ा दिया जी। बढ़ाने में सीजनल जो भी सीजनल माल आता है, जैसे कोटा, अभी कोटा का सीजन चालू है जी। तो हम लोग कोटा के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जी। कोटा में जो छोटे बच्चे आते हैं 6 महीना 5 महीना 7 महीने के, वो सप्लाई कर रहे हैं बड़ी जगह। तो हम लोग ने अभी थोड़ा से धंधे को चेंज किया जी, एग्जॉटिक से हट के, यूनिक से हट के, एंटिक से हट के, मैं थोड़ा फार्मिंग के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। जैसे फार्म वालों को जो ऑर्डर है जी, वो ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं 20 पीस 50 पीस 30 पीस, जैसा ऑर्डर आता है, चाहे 1 पीस क्यों ना हो, मैं उसको भी यानी टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में मेरे हिसाब से यही एक धंधा मेरे लिए बना हुआ है जी। मैं इंशाल्लाह जब तक ता जिंदगी मेरे को तो ऐसा लगता है मैं यही करूँगा, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है जी। तो हम लोग का जो मेन टारगेट अभी चल रहा है कि फ्यूचर में हम लोग को सब फार्म वालों को ही माल सप्लाई करना। मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, मैं फार्मिंग मेरे नेचर में भी नहीं है, मैं फार्मिंग कर भी नहीं पाऊंगा जी। तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है और मैं ट्रेडिंग पे खास कॉन्सेंट्रेट कर जी। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एग्जॉटिक को लेके, लाइक जहाँ तक मेरे को भी ध्यान है कि बैंटम हो गए या आपने लोगों को बोर दिखाया, सानियन दिखाया, यमनी दिखाया, तो लाइक आप ऐसा मानते हैं आप वन ऑफ द फर्स्ट थे ये स्टार्ट करने के लिए? नहीं, मेरे से पहले 2 लोग और थे जी, मैं उनसे लेता था, बॉम्बे के थे, लेकिन आज उनका काम नहीं के बराबर है, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे लेके बेचता था पहले 1 पीस 2 पीस, लेकिन अब ऐसे अल्लाह ताला ने, हमारे दोनों भाई की मेहनत है, हम लोग दोनों भाई मेहनत करें बहुत ज़्यादा, तो हम लोग आज सप्लायर बन रहे हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया के जो माल है वो हम लोग इधर आ भी रहे हैं जी। और अगर मैं दूसरी बात करूँ जो आपने कही कि आप अलग ब्रीड्स में काम कर रहे हैं, जैसे कोटा, सोजत, सिरोही, गुजरी,
तो जैसे ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो आप वो पूरा करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोला ना मेरा अभी मेन टारगेट यही चल रहा है, हम लोग जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं ना जी, वो यही चीज है लोगों के ऑर्डर को, है ना। अभी मेरे पास लास्ट वीक आई थिंक तुम थे सानेन का पूरा लॉट, पूरा लॉट था, पूरा लॉट था। अभी मेरे पास कुछ सानेन का एक मेल और 5 फीमेल बची है जी, वो जैसा ऑर्डर आ रहा है कल ही रात में हम लोग की डिलीवरी होगी, 10 फीमेल एक पार्टी को गई है, तो वैसे जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जी। एंड मैं पूछूं कि जैसे कि आपके फार्मर्स भी तय हैं जिससे आप माल खरीद लेते हैं, वो जिनके साथ मैं काम करता हूँ मैं उनके ही साथ काम करता हूँ जी, नए लोगों से बहुत बचना पड़ता है, एक्चुअली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जी, लोग हम लोग की लाइन में भी बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि हाँ। आसिफ भाई हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, अजान हो रही है फिर कंटिन्यू।